हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुना की लाइफ में। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और ऐसे ही टाइम पास हम कर रहे हैं इधर उधर घूम के, क्योंकि कोई काम नहीं है। ठंडी जैसे स्टार्ट होती है वैसे काम भी ख़त्म हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि दिन भी छोटा होता है और थोड़ा बहुत काम होता है उसी में ही मतलब ख़त्म हो जाता है दिन। तो फ्रेंड्स, अभी हम बागीचे के साइड में आए हैं क्योंकि सोए थे, सो के उठे हैं तो याद आया तो ब्लॉग बनाना है। तो ब्लॉग बनाने की तैयारी कर, ब्लॉग यहाँ पे इंट्रो शूट करने के लिए आए हैं और अभी कुछ नहीं कर रहे, अपने खेत के साइड आए हैं। आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से अपने खेत का लोकेशन कैसा दिख रहा है। अभी तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें जमा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा खेत जिसमें हमने आलू ज़्यादा बोया है इस बार, और पालक है इधर, और भी चीज़ें हैं। अभी अभी निकला नहीं है पूरी तरीके से, अभी निकल रहा है। मैक्सिमम एक दो हफ्ते लगेंगे ये पूरा ग्रीन ग्रीन होने में। तो एक दो हफ्ते बाद आपको इसका लोकेशन व्यू दिखाएंगे कैसा हमारा खेत दिख रहा है। एकदम ग्रीनी ग्रीनी सारे वेजिटेबल्स वगैरह जो भी हमने बोया है वो दिखेंगे। और अभी हम दिखाते हैं कुछ और चीज़ें आपको। फ्रेंड्स, ठंडी स्टार्ट होने वाली है और कहीं कहीं पे तो हो गया, लेकिन हमारे इधर अभी ठंडी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम फ्री अभी उतना नहीं पता चल रहा है। और खेत में हम आ गए हैं, इधर खेत के साइड में आ गए हैं इधर, क्योंकि हम बनाने वाले हैं आज अचार। अचार बनाएंगे, मिर्ची का अचार और मूली का अचार। तो मिर्ची और मूली का अचार बनाएंगे। तो हम इधर धूल के सूखने के लिए रखे थे, इसीलिए हम आए हैं इधर लेने के लिए। तो आप लोगों को दिखाते हैं अभी, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को जो हमने धूल के रखा हुआ है वो। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा मिर्चा वगैरह वगैरह। अभी इसको घर में लेके चलेंगे एंड इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे मिर्ची का अचार मैं कैसे बनाती हूँ वो दिखाएंगे, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बना, मतलब इससे पहले मैं बनाती थी बट अच्छा नहीं होता था, लेकिन इस बार कुछ और ही ट्राई करने वाले हैं इस अचार पे। तो देखते हैं कैसा बनता है और आपको पूरा अचार का पूरा अचार बनाना सिखाऊंगी मैं मैं खुद ही सीख रही हूँ और आप लोग को भी सिखाऊंगी। तो ये अचार हम बनाएंगे आज और आपको फुल ब्लॉग दिखाएंगे अचार वाला। तो अभी इसको घर में लेके चलते हैं एंड इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद से मिलते हैं अचार बनाने के टाइम। तो बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी मिर्ची जो है इसको मैंने लंबा लंबा ऐसे दो, एक में दो कर लिया है और अच्छे से मैं इसको काट ली हूँ। और ये है हमारा मूली, तो इस तरह का पिंकल टाइप का मैं काटी हूँ, खाने में भी थोड़ा आसानी रहता है। और इसको मैं फैन के नीचे रखी हूँ कि थोड़ा सा और ये ड्राई हो जाए, इसका जो थोड़ा सा पानी वानी है ये जो दिख रहा है ये थोड़ा ड्राई हो जाए, और मिर्ची में भी कहीं कहीं पानी रह गया था तो वो भी ड्राई हो जाएगा थोड़ा। तो अभी हम इसको पंखे के पास छोड़ देते हैं सूखने के लिए और अभी मसाला तैयार करते हैं। तो अभी आपको चलिए दिखाते हैं क्या क्या मसाला चाहिए हमको इसको, इस दोनों को मिक्स करने के लिए। इसको अलग बनाएंगे और इसको अलग बनाएंगे, एक में मिक्स नहीं करेंगे इन लोगों को। तो फ्रेंड्स, हम इसमें जो मिर्ची का अचार में जो मसाला डालेंगे ये रहा, ये है अजवाइन, ये है सौंफ और ये है थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के लिए है, और ये जीरा और ये राई है जिसको सरसों बोलते हैं, ये पीला वाला सरसों है मेरे पास तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और ये है धनिया और ये है मेथी और ये है मंगरेल जो काला जीरा बोलते हैं इसको, मंगरेल बोलते हैं ये। तो इतना है मसाला, इन सभी मतलब मंगरेल को छोड़ के इन सभी मसालों को हल्का रोस्ट कर लेंगे, मीन्स हल्का तवे पे भून लेंगे, उसके बाद से इसको पीसेंगे दरदरा। पहले तो फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है वो हमने हल्का भून लिया, अभी इसको चलते हैं पीसने के लिए। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में हम तेल डालेंगे जितना हमको ऑयल चाहिए, दोनों
अचार को बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे, ये थोड़ा सा हींग है, पैकेट वाला है, मतलब अच्छा होता है ये, बहुत तेज़ वाला हींग है इसको बोलते हैं, तो ये मैं डाल दे रही हूँ उसमें। और ये बीना नाम करके है कुछ ऐसा, और इसको थोड़ा सा तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। और ये सब तैयारी करके हम रख दिए हैं बनाने के लिए अचार। तो फ्रेंड्स अचार बनाना स्टार्ट करते हैं, और उसमें पहले हम मिर्चा डालेंगे, जो हरी मिर्च है, क्योंकि हमारे पास छोटा छोटा बर्तन नहीं है, तो इसी बर्तन में काम चलाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद से हम डालेंगे ये है जो कलौंजी, इसको ऐसे ही खड़ा डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा कड़वा लगता है, और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक ऐड करेंगे क्योंकि अचार में नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और ये है हल्दी भी, हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है, और जो मसाला हमने बनाया था उस ये हमने पीस लिया है दरदरा इस टाइप का, और मिर्ची के अंदर है गया मसाला। और इसमें हम डाल रहे हैं विनेगर, जिसको अम्ल बोलते हैं, ये है उसमें, क्योंकि नींबू नहीं था तो नींबू की जगह पर विनेगर डाल सकते हैं हम। और ये जो है गरम तेल हमने करके रखा था हींग वाला, वो हींग वाला तेल इसमें ऐड कर देते हैं। तेल की क्वांटिटी थोड़ा हम ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि तेल की वजह से जो हमारा मिर्ची का अचार है वो ख़राब नहीं होगा, तो इसलिए इसमें तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अभी ये तेल जितना डालना था हमने डाल लिया, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी मसाले हैं एक दूसरे में अच्छे से मिर्ची में सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स हमारा चटपटा और तीखा मिर्ची का अचार बन के हो गया तैयार। और इसी तरह से सेम प्रोसेस से मूली का अचार भी बना लेंगे। मूली का अचार बनाते टाइम मेरे कैमरे की बैटरी हो गई थी डिस्चार्ज, तो मूली का अचार पूरा प्रोसेस मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं अचार बना के रख ली थी। इसके बाद से मेरा कैमरा हो जाएगा ऑफ। ये है मिर्ची का अचार और ये है मूली का अचार। तो फ्रेंड्स इसको मैं बनाने के बाद से 2 दिन धूप में रखी थी, मतलब अच्छे से सुखा के, ताकि इसका जो भी मॉइस्चराइज़र होता है वो निकल जाए। एंड ये अच्छे से हो चुका है, और ये भी मूली का अचार हो गया तैयार और मिर्ची का अचार दोनों तैयार हो चुका है। और इसको मैं, ये मेरे पास ऐसे स्टील का कंटेनर था तो मैं इसमें इसको रख दे रही, एंड ये प्लास्टिक का वैसे तो नॉर्मली कांच के जार में रखा जाता है, बट मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा है, तो मैं इस टाइप के 2 चीज़ में रख दी हूँ ताकि मतलब ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर ज़्यादा दिन मुझे स्टोर करना रहता तो मैं कांच के ही जार में रखती। तो ये अच्छे से तैयार हो चुका है, और ये इसको चावल दाल के साथ इंजॉय कर सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है, ये टेस्टी लगता है। मैंने तो इसमें से 2-3 बार खा भी लिया है चावल दाल के साथ, और अभी मैं इसको रख रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि हाँ मेरा अचार तैयार हो चुका है। तो इस कंटेनर को अच्छे से बंद कर देंगे, और ये हमारा अचार दोनों बन के तैयार हो गया, अच्छे से इसको पैक करके रख देंगे।